व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्या एशिया कप 2018 हार्दिक पांड्या के एक लास्ट मौका है अपनी जगह इंडियन टीम में बनाए रखने के लिए। हम कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखेंगे जो इंडिकेट करते हैं कि ये ऑलराउंडर अभी काफी थिन आइस पे है विज़िवी हिज प्लेस इन द इंडियन ओडीआई टीम। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी डोमेस्टिक सर्किट में है जो वो एक कॉवेटेड ऑलराउंडर स्पॉट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, और अगर हार्दिक पांड्या ने अपना फॉर्म जल्दी ही अच्छा नहीं किया तो कुछ ही दिनों में उनकी जगह कोई और प्लेयर ले सकता है। एस्पेशली विद द 2019 वर्ल्ड कप कमिंग अप इन द नेक्स्ट समर, विराट कोहली एंड द इंडियन टीम मैनेजमेंट वुड लाइक टू फिक्स ऑन द प्लेइंग 11। जो सबसे वरिंग फैक्टर होगा विराट कोहली और रवि शास्त्री के लिए वो ये होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हार्दिक पांड्या ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ओवरसीज इस साल हमने देखा है कि वो काफी स्ट्रगल किए हैं। अभी फिलहाल इंग्लैंड ही दौरे पे उन्होंने पांच टेस्ट की सीरीज में 164 रन मारे और कुल मिला के लिए 10 विकेट। बट जो शॉकिंग बात है वो है उनकी ओडीआई परफॉर्मेंस, जहां पे उन्होंने 3 मैच में सिर्फ 42 रन स्कोर किए और लिए 1 विकेट। अगर हार्दिक पांड्या को 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हो रहा है खेलना है, तो उसके लिए उन्हें अपने आगे आने वाले महीनों में काफी चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी होंगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड फॉर्मर प्लेयर्स अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है या स्पेशलिस्ट बॉलर है। उनके करियर पे अगर हम एक नजर डालें तो एक ही चीज क्लियर है कि वो कंसिस्टेंसी लैक करते हैं। कभी वो बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, कभी बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, और कभी दोनों ही फेल हो जाता है। ये कंसिस्टेंसी पे उन्हें इम्प्रूव करना ही होगा अगर उन्हें चाहिए कि वो नंबर वन इंडिया के ऑलराउंडर बने रहे एटलीस्ट टिल द 2019 वर्ल्ड कप। 2017 में तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म काफी अच्छा था, लेकिन 2018 में जब बात आई ओवरसीज खेलने की तो उन्होंने 9 ओडीआई मैचेस में कुल मिला के बनाए 68 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 13.60 और 67 ओवर्स में लिए हैं सिर्फ 5 विकेट। ऐसे स्टैट्स तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है स्पेशली फॉर एन ऑलराउंडर। ये प्रूफ करती है कि हम उन्हें ना स्पेशलिस्ट बैट्समैन कह सकते हैं, ना ऑलराउंडर कह सकते हैं, ना स्पेशलिस्ट बॉलर कह सकते हैं। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही ऑन ऑफ चलती रही, इसी की वजह से आई थिंक इंडियन टीम मैनेजमेंट ने थक के उन्हें 5th टेस्ट में फाइनली ड्रॉप कर दिया, जिसमें फिर उन्होंने हनुमान विहारी को टीम में इंक्लूड किया। और ऐसा ही उनके साथ आगे चल के भी हो सकता है अगर उन्होंने एशिया कप में प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दी, स्पेशली विद विराट कोहली मिसिंग, एवरी इंडियन प्लेयर नीड्स टू डू मच बेटर देन दे डिड इन इंग्लैंड। इस वक्त हर भारतीय फैन का और इंडियन मैनेजमेंट का फोकस 2019 वर्ल्ड कप है, और एशिया कप 2018 इसलिए हार्दिक पांड्या के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में इंडियन टीम 20 से ज्यादा वनडे खेलने वाली है, और अगर इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रही और उन्होंने इंडिया को मैचेस नहीं जिताए तो देर नहीं है कि इंडियन मैनेजमेंट और ऑलराउंडर्स को ट्राई करना चाहेगी। आशीष रेड्डी, विजय शंकर, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर दिमाग में आते हैं। कृणाल पांड्या ने ऑलरेडी इस साल काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और अगर हार्दिक पांड्या ने अपने कंसिस्टेंसी और फॉर्म को बेटर नहीं किया तो देर नहीं है कि उनके भाई उनकी जगह इंडियन प्लेइंग 11 में लेंगे। एशिया कप 2018 का कैंपेन इंडिया सितंबर 18 को हांगकांग के अगेंस्ट स्टार्ट करेगी और सितंबर 19 को खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। हार्दिक पांड्या जो फिलहाल में इंग्लैंड से वापस आए हैं शायद पहले मैच के लिए रेस्ट पे हो, लेकिन सेकेंड मैच में उनकी परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। करोड़ों फैंस उनको देख रहे होंगे इस मैच में, और आने वाले समय में शायद ऐसा हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान को एक नहीं दो बार और खेले, और अगर उनकी परफॉर्मेंस पहले मैच में अच्छी नहीं रही तो इंडियन टीम मैनेजमेंट शायद एक बैट्समैन को इंक्लूड कर सकती है जैसे दिनेश कार्तिक को आगे के मैचेस के लिए। तो प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, किस प्लेयर को इंडियन टीम में ऑलराउंडर स्पॉट पे होना चाहिए या इंडियन टीम को 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन एंड 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ उतरना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। We'll be right back.